Assalamualaikum, hello friends, welcome to my JahanAras Kitchen. आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से जरूर होंगे. आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. आज हम बनाएंगे बेसिक मसालों के साथ, बहुत ही कम मसाले के साथ, गोभी पनीर की सब्जी की रेसिपी. इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पनीर की सूखी सब्जी की रेसिपी. सब्जियों वाली पनीर की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जियों को फ्राई करके निकालना होता है. तो मैंने यहाँ पर स्टोव के मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई पर थोड़ा सा तेल डाल लिया है. तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर फूलगोभी, आलू और गाजर को मैं यहाँ पर हल्का सा तलकर निकालूंगी. गाजर को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है. आलू को भी मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कट किया है और गोभी को मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज में मैंने इसे कट किया है. तो इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा फ्राई करके निकालना है. इससे क्या ना, हमारा सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इस तरह से अगर हम तलकर सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार का बनता है और साथ ही हमारा सब्जी टूटेगा भी नहीं, बिल्कुल खड़े खड़े से रहेंगे और ये साथ में पक भी जाते हैं. तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसे बनाने का. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से तल लिया है. अब मैं इसे निकाल लेती हूँ तेल से छान कर. सब्जियों को तल कर निकालने के बाद तेल थोड़ा सा है तो मैं यहाँ पर और 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर लेती हूँ. तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल दूंगी और जीरा थोड़ा सा चढ़कने लगेगा जब हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे. इसी के साथ हमें 2 से 3 हरी मिर्च को बीच से चीर कर डाल लेना है. अब हमें प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा लाल होने के लिए हम इसे सौटे करेंगे. तो आप देख सकते हैं अब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है. अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी. अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए. स्टोव का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो पर ही रखेंगे. 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी. पाउडर मसालों में हमें सिर्फ चाहिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर. लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे. उसके बाद मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर को बड़े टुकड़ों में कट करके यहाँ पर मैं डाल दूंगी. अब हमें टमाटर को भी अच्छी तरह से पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए सारे मसालों के साथ. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक भी डाल लेती हूँ. नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो टमाटर को पकने के लिए हम कढ़ाई को लिड से कवर कर लेंगे. मीडियम फ्लेम पर हम टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे. इसी दौरान मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब हरी मटर भी डाल लेती हूँ. जब तक हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा उसी दौरान हमारा हरी मटर भी पक जाएगा. तो चलिए अब मैं इसे कढ़ाई को लिड से कवर कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं. 2 से 3 मिनट हो चुका है और हमारा टमाटर भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गल गया है. अब मैं यहाँ पर हमने जो सब्जियों को फ्राई करके रखा हुआ था उसे मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ. मसाले के साथ हम सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और सब्जी को हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे. तो कढ़ाई को मैं लिड से कवर कर लेती हूँ और बीच बीच में हमें इस तरह से चम्मच चलाते रहना है. मैंने यहाँ पर आलू का छिलका नहीं उतारा है. आप यहाँ पर आलू को थोड़े से बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं. इस तरह से आप एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार का सूखा सब्जी बनता है. मैं यहाँ पर पनीर को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँगी, कच्चे पनीर के साथ मैं यहाँ पर सब्जी बनाने वाली हूँ. तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जी भी अच्छी तरह से पक चुका है. मैंने 8 से 10 मिनट के लिए सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पका लिया है. तो अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर डाल लेती हूँ. इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी सब्जियों के साथ. अब मैं यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, उसे यहाँ पर डाल लेती हूँ. सब्जियों के साथ हम पनीर को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पर. पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है तो पनीर हम यहाँ पर ज्यादा अगर पकाएंगे तो पनीर टूटने लगेगा. तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के मीडियम फ्लेम पर सब्जियों के साथ पकाने वाली हूँ. हमें यहाँ पर ज्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है. अगर हम यहाँ पर ज्यादा चम्मच चलाएंगे तो हमारा सब्जी भी टूटने लगेगा और साथ ही पनीर भी टूट जाएगा, जिसकी वजह से पनीर की सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगेगी. तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 बार ही चम्मच चलाऊंगी. स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे इसी तरह से छोड़ लेते हैं. तो अब मैं कढ़ाई को लिड से कवर कर लेती हूँ.
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर की सूखी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है सब्जियों वाली। तो सबसे आखिर में मैं यहाँ पर फ्रेश हरी धनिया को बारीक काट कर डाल लेती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लूंगी एक बार। आप इसे रोटी चपाती पराठे के साथ जरूर खाइए, सर्व कीजिए, बहुत ही मजेदार का लगता है इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। आप एक बार इस तरह से अपने घर पर जरूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की पनीर की सूखी सब्जी यानी सब्जियों वाली पनीर आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें। अल्लाह हाफिज़।